किसान भाइयों नमस्कार। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी के आज के ताज़ा भाव के बारे में। किसान साथियों वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेट आई थी, इसलिए हम आपको आज की जो वीडियो है थोड़ा लेट बना रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आज का जो माहौल है कैसा देखने को मिला है। माहौल अपडेट रिपोर्ट, प्याज की नीलामी में कितनी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है, आवक कैसी आई है, तो सारी जानकारी रिपोर्ट विद रिपोर्ट लाइव अपडेट के जरिए हम आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। किसान साथियों सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही दुखद खबर है, हमारे जो रतन टाटा जी थे उनका निधन हो चुका है। तो हमारे और हमारे चैनल की तरफ से रतन टाटा जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। हमारा देश आज उन पर गौरव करता है, रतन टाटा जी पर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आज का जो माहौल है कैसा देखने को मिला है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें दिनांक की, तो आज 10 अक्टूबर 2024 हो चुका है। 10 अक्टूबर 2024 की जो स्थिति है आप भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया हुआ है पुणे मंडी प्याज का भाव, पूरे मंडी प्याज का भाव 10 अक्टूबर 2024 अराइवल ऑफ ओल्ड ओनियन ट्रक, मतलब पुराना जो प्याज है वो 25 प्लस गाड़ियां देखने को मिली हैं। पुराने प्याज की जो गाड़ियां हैं वो 25 प्लस गाड़ियां देखने को मिली हैं, जो न्यू अराइवल ऑफ न्यू ओनियन है वो 35 प्लस, मतलब टोटल मिला के जो गाड़ियां हैं 60 प्लस गाड़ियों का जो वहाँ पर आवक है वो देखने को मिला है। प्याज की जो स्थिति है आमदनी है जो आवक है वो 60 प्लस गाड़ियों की देखने को मिली है। तो अगर बात करें नीलामी रिपोर्ट की, तो सुपर बिग एक्स्ट्रा BBIP जो प्याज है वो 4500 रुपये, मतलब कल के अपेक्षा आज हल्की सी उछाल 100-200 रुपये की ज़्यादा देखने को मिली हुई है। मंडी में उछाल है आज, करंट है कुछ हल्का सा, तो मतलब सुपर जो प्याज है वो 4500 रुपये बिकता हुआ नज़र आया है। एवरेज की अगर बात करें तो 4200, 4300, 4400, 4500 हाईएस्ट बिका हुआ है। मीडियम प्याज की बात करें 3900, 3800, 4000, 4100 की रेंज में बिकता हुआ नज़र आया है। ऑल ओवर मंडी की स्थिति, जैसे मीडियम प्याज है, गोल्टा है, गोल्टी है, छोटा झटन मिक्स प्याज है, तो ये सारा कुछ प्याज मिलाकर ऑल ओवर मंडी की स्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं 2000 रुपये से लेकर 2500, 3500, 3200, 3800 की रेंज में बिकता हुआ नज़र आया। स्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्याज का जो भाव है वो देखने को मिला हुआ है। किसान भाइयों ऑल ओवर मंडी की जो स्थिति है बहुत ही शानदार देखने को मिली है। प्याज के भाव की अगर बात करें तो 4000 से लेकर 4500 के जो भाव है वो देखने को मिले हैं। स्थिति अच्छी खासी करंट लेवल का देखने को मिला हुआ है। और अगर बात करें प्याज निर्यात, तो अभी कुछ दिनों से प्याज निर्यात पर बैन है, लगभग 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद जैसे ही प्याज निर्यात होगा, निर्यात द्वारा चालू होगा, तो कहीं ना कहीं उछाल आने की और ज़बरदस्त उम्मीद बनती हुई नज़र आएगी। तो ये आज की अपडेट है, आज की रिपोर्ट है पुणे मंडी से। अगर आपको आज की अपडेट हमारे द्वारा दी हुई अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किसान साथियों, और जो भी हो कमेंट करके बताना आगे प्याज की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, तो सारी जानकारी देना।